इस वक्त हम दरभंगा जिला के गौराबोरा में हैं और नारी पंचायत के पंचायत समिति के उम्मीदवार हमारे बीच है। वैसे तो पंचायत समिति महिला का सीट है, लेकिन उसके जो प्रतिनिधि है वो ये करेंगे। अहमद साहब हमारे बीच मौजूद है, अहमद साहब से बातचीत होगी। अहमद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। मेरा नाम MD अहमद हुआ। मेरा मकसद यही है कि कोई भी प्रतिनिधि जीत कर आवे, वो सबसे पहले तो जनता के साथ अच्छा व्यवहार बात करे, अच्छा वातावरण रखे, और जो काम है जनता का वो धरातल पर आना उतरना चाहिए। अच्छा, नारी पंचायत में जो पूर्व में जो पहले पंचायत समिति रहे, उनके 5 साल में जो काम हुआ उनके बारे में हम आपसे नहीं पूछेंगे। आप जो खड़े हैं इस वक्त चुनाव में, आपसे जनता क्या उम्मीद रखे कि 5 साल में आप कितना विकास करेंगे? नारी पंचायत में पूर्वी क्षेत्र से जो समिति हैं वो इजहार साहब की पत्नी हैं, जो वो 15 साल ने यहाँ के जनता उनको मौका दिए हैं, जो आज तक कोई भी योजना चलाए लगमा में, मिसरौलिया में, नाड़ी में, जो वो समझिए कि वो बदतर हाल कर दिया। कहीं नाला फूटा हुआ है तो कहीं सड़क जो है कि मतलब जो है कि ढला यानी फट गया है, यानी किसी का भी काम जो है कि मतलब ढंग का नहीं है, जनता परेशान हाल में है। जिसकी बात दूसरी बात ये भी है कि कोई भी योजना चलाने के बाद पहले तो शिलापट लगाना चाहिए, वो शिलापट नहीं देख रहे हैं। कितना का योजना है, कितना का क्या है, वो जनता देखेगी तब ने समझ में आएगा कि ये इतनी के यानी इतना जो है कि योजना का योजना चलाया है, इतना पैसा है, ये पैसा कहाँ गया विकास। तो क्या कहेंगे, इस बार आप जब जीत कर आएंगे तो आपसे भी उम्मीद रखे जनता कि आप बिना सूचना पट बिना शिला पट लगाए कोई भी योजना नहीं करेंगे? हम तो जीत कर आएंगे ना तो जनता के बीच रख देंगे, और बिना जब तक शिला पट लगाएंगे नहीं योजना को शुरू नहीं करेंगे, ये मेरा मानसिकता है। अच्छा, आपका और क्या उद्देश्य है चुनाव में उतरने का, क्या मकसद? मेरा मकसद यही है कि जनता का सेवा करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, और जनता के जो भी समस्या है मुझे एक कॉल करे, मैं उस पर धरातल पर उतर जाएंगे, मैं उसका समस्या को हल करेंगे, मैं उसका जो है के सेवा में रहेंगे। अच्छा, यानी जनता की सेवा तो बिना पद पर रह के भी कर सकते हैं क्या? हम तो बिना पद पर भी किए हैं, 5 साल भी हम चुनाव लड़े थे तो जनता हमें नहीं चाहे। पिछले बार भी उम्मीदवार थे, कुछ वोट से पीछे रह गए, लेकिन इस बार पूरी मोहम्मद से हमको ला रहे हैं कि आप जीत के आइए और हम जनता का सेवा करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव चिन्ह क्या आया आपका? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल छाप है। एक कैमरा की तरफ देख के बोलिए, क्या अपने मतदाता से क्या कहेंगे, नारियल का चुनाव चिन्ह है तो क्या कुछ कहना चाहिए? नारियल का चुनाव चिन्ह है कि नारियल शुभ होता है, जैसे कि हमने सिंबल लेकर के आए ब्लॉक प्रखंड से, तो मिसरौलिया में भी हमको 2-4 औरत हमको रोक ली, हमारी माँ बहन के बवा क्या छाप आपको मिला, तो हम कहा कि चाची मेरा छाप जो है कि नारियल मिला है, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, तो कहा कि आपका जो है कि मतलब शुभ हो जाएगा, आप जीत के आइएगा। तो हम कहा कि ठीक है, आपका आशीर्वाद है, मैं आपका सेवा करेंगे, जनता के बीच रहेंगे और जनता का सेवा करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि मैं जनता का सेवा करेंगे, जहां बुला ले हम तैयार हैं। अमन जी, जब जनसंपर्क में आप जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, अपने मतदाता से मिलते होंगे, तो क्या कहते हैं मतदाता उस वक्त, उनका क्या कुछ कहना होता है उस वक्त, जो उनकी बात आपके सामने आता होगा, जो महिलाएँ होती है वो जब कहती होगी तो आपको क्या कुछ लगता है उसमें? मैं तो जनता के साथ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो सबसे पहले मुद्दा यही रखते हैं कि राशन कार्ड नहीं है। दूसरा मुद्दा ये, अभी हम गए हैं मतलब जो है कि यानी 14 नंबर वार्ड में 2-4 औरत 5 हमको लेडीज़ भी कही, और उसके बाद जो है कि मतलब एक जेंट्स भी कहे कि हमारा मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, तो हमने उसको आश्वासन दिया कि अभी तो चुनाव का टाइम है, अभी तो जुमलाबाजी नहीं फेंकेंगे, समय आने दीजिए, मैं उसको देखेंगे। इस चीज़ को देख रहे हैं, जनता के निगाह में देख रहे हैं कि इस पंचायत में क्या क्या कमी हो रही है, इस चीज़ को मैं खुद देख रहा हूँ, वो समय आने पर मैं इसको निराकरण करेंगे। अच्छा, आप जनसंपर्क में जाते हैं तो आप वो कमी दिखती है उसको नोटिस करते हैं? काफ़ी कमी है उसको नोटिस करते हैं? बहुत नोटिस कर रहे हैं। तो क्या जब जीत के आएंगे तो उसकी जीत के आएंगे पूरी भरपाई करेंगे, सेवा करेंगे, जहाँ बुला ले 12 बजे रात में बुला ले हम तैयार रहेंगे।